सर देयर इज अ प्रॉब्लम लिविंग इन इट कि जब कोई परिंदा जब पिंजरे के अंदर होता है तो उसको सबसे महफूज जगह जो पिंजरा ही नजर आती है, वो सोचता है बाहर जाऊंगा तो शायद मेरे को परिंदे नोच खाएंगे। तो अगर हम गुलाम वाला सोच के अंदर महफूज ऑलरेडी हैं तो स्टार्ट ना सर, हमें तो बाहर जाते वक्त या बियॉन्ड द सोचने के लिए हमें थोड़ा डर लगेगा, उसके लिए हम क्या करें? पिंजरे को मोटिवेशनल स्पीकर लगा दे बाहर से, तुम कर सकता है, बिलीव करने लग जाएगा। रिमाइंडर्स, कीप रिमाइंडिंग, याद कराएं, बार बार याद कराएं, यू कैन डू इट। वो मार्केटिंग का उसूल है, यहाँ पे कोई बिजनेस या मार्केटिंग वाले बैठे होंगे, इफ़ यू रिपीट समथिंग एनफ टाइम्स पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट एंड योर सेल्फ टू। वो टाइम है ना अभी, वो एक बड़ा मैं वाक्या सुनाता हूँ, तो ठगों का ठग पता है क्या होता है? क्या होता है वो? मैं डिसीवर जी, हाँ ठग होता है ना, वो चलाकी से किसी से कुछ, एक तो होता है कि गन पॉइंट पे स्नैच करने वाला, एक होता है ठग, आप खुद उसे अपने हाथ से चीज देंगे, बाद में रियलाइज किया ये क्या किया मैंने। तो वो ना तीन ठग थे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि तीन ठग थे, हाँ चूना लगाते हैं, तीन ठग थे। तो उन्होंने देखा ना कि एक वो बंदा है ना, वो बकरी लेकर आ रहा है। तो ठगों ने कहा कि आपस में डिसाइड किया, इससे बकरी हमने हथियानी है, खुद दे अपने हाथ से हमें, ऐसा कोई प्लान सोचो। उन्होंने आपस में गुजर गुजर की, ये मार्केटिंग वाले याद रखिए इसको, गलत नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? वैसे होता है हमारे साथ, ये हमारे साथ हर रोज़ हो रहा होता है, तो आपको जब भी आपको मार्केटिंग में रिपीटेड चीज़ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो उन्होंने आपस में गुजर गुजर की, उन्होंने कहा जी डन हो गया, अब ना वो तीनों इधर उधर हो गए ना, तितर बितर हो गए। अब ना वो बेचारा, उसको पता ही नहीं, वो आ रहा है बंदा देहाती, वो बकरी लेकर जा रहा है। तो उसने क्या देखा कि आगे से ना कच्चे रास्ते से गुजर रहा है देहाती, तो आगे से ना एक गुजर रहा है, कोई किसान गुजर रहा है जो भी ना, उसने सर पे चादर डाली हुई है और वो अपने गांव में लगा जा रहा है। जाते जाते ना जब इसके पास से गुजरा है तो उसको कहता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ऐसे ऐसे करता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? फिर चीख पड़ता, तो वो देहाती सोचने लगा इसको क्या हुआ, ये क्यों चीख मार रहा है? देखा, ओ भेड़िया भेड़िया भेड़िया, तू भेड़िया लेके जा रहा है, तू भेड़िया लेके जा रहा है, तू भेड़िया लेके जा रहा है। अब देहाती ने बकरी पाली हुई थी, उसको पता था, मतलब बच्चा था एक छोटा सा, उसने पाली थी, उसको पता है बकरी है। मैंने कहा चलो को पागल होगा, ठीक है ईजी लिया चलता रहा। अब ये चीखता जा रहा है दूर तक, जब तक उसकी आवाज़ उसको आती है ना, उसने कहा भेड़िया लेकर जा रहा है। अच्छा, ये देहाती जा रहा है, कोई 100 मीटर आगे पहुँचा है तो ना वो किसान खेत में अपने काम कर रहा है, गोडी कर रहा है, जो भी फसल जसल को कर रहा है। तो अब वो गुजर रहा है, तो वो किसान ने ना ऐसे ही अचानक पीछे देखा, तो किसान ने उससे कोई बात नहीं की, देखा भेड़िया 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 लेकर जा रहा है। किसान ने कोई बात नहीं की, चीखे मारता हुआ किसान भी भाग गया, दूर तक भागता ही रहा था, वो लोगों को भी कहता रहा वो भेड़िया लेकर जा रहा है, भेड़िया लेकर जा रहा है। अब ना ये देहाती थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, यार कोई मेरे दिमाग में मसला है या मैं कोई गलती हो गई, या मैं मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है, या मैं कोई चक्कर, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया ना वो कि यार दूसरा बंदा है टोटल अनरिलेटेड, ये क्या हुआ है मेरे साथ ना, वो कुछ भेड़िया ही ना हो, क्या हुआ ये? अच्छा, अब वो उसने कहा यार, अब वो कन्फ्यूजन में चलता जा रहा है। तो शहर अभी थोड़ा दूर था, तो तीसरा ठग बैठा हुआ था। तीसरा ढग ना खाकरोप बना हुआ है, वो सफाई कर रहा है, हाँ सफाई करी जा रहा है। तो उसको कहता है कि जब इसके पास से गुजरा ना, उसने कहा ओ तू पागल है, तू भेड़िया किधर लेकर जा रहा है? इसने भी चीखे मारी, ये भी चल। अब जो ही इसने चीख मारी ना तीसरे बंदे ने, अब देहाती ने भी चीख मारी भेड़िया। देहाती भी भाग पड़ा। अब उसको भी हो गया कि भाई इतना तो नहीं हो सकता कि भाई मैं ही पागल हो सकता है। अब बाकी दो ठग पीछे से आ रहे थे, उन्होंने देखा इसने बकरी छोड़ी, उन्होंने पकड़ी और वो हो गए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि इफ यू स्टार्ट रिपीटिंग समथिंग एनफ टाइम्स पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट एंड योरसेल्फ टू। आपको कहता है ना, कोई बंदा जो सबसे ज्यादा घबराया होता है वही कह रहा होता है अपने घबराना नहीं माधुरी के साथ। तो
तो वो फिर उसको पता है ना, मैं बार बार कहूँगा, गेम्स में भी लगाया होता है, स्पोर्ट्स में भी ना, कि जब आप कहते रहेंगे ना फिर आप नहीं कर रहे, ठीक है, समझ रहे हैं? तो रिपीट करना है आपने, बिलीव कराना है, याद कराना है कि नहीं, वी आर द लीडर्स, वी कैन डू इट। कोई स्ट्रेटजी ना हो, कोई आपके पास रास्ता ना हो, आपने बस सिर्फ बिलीव करना है। जब आप बिलीव करते ना तो हर जंजीर कट जाती है, और ये बार बार हुआ है। क्या रास्ता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का से निकलने का? कोई सूरत थी? उनके बाल बच्चे मतलब औलाद मुसलमानों को किस कदर, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोयलों पर लिटाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सरो सामान नहीं है, सवारियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कोई चांसेस थे? नो सरकमस्टेंसेस, बिलीफ। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जिसने बिलीव कर लिया कि मेरा अल्लाह ज़रूर मेरी मदद करेगा, फहुवा हस्बुह, अल्लाह ने समझे कसम खा ली, ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया, वादा कर दिया, मैं ज़रूर काफ़ी हो जाऊँगा। और यही वो बिलीफ सिस्टम था कि जब सहाबा दरिया और समुंदर के आगे आते थे, कोई रास्ता नहीं होता था, तो कहते थे या अल्लाह तेरा वादा है ना, तेरा वादा है ना, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, तेरा वादा है ना कि जो तेरे ऊपर तवक्कल करेगा तू ज़रूर काफ़ी हो जाएगा, हम तेरे पर तवक्कल करें। ये ने घोड़े उतार दिए समुंदर में, तू पार कर, घोड़ा नहीं सैर सकता पानी में, अल्लाह ने पार कर दिया एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद जगह पर। बिलीव, वेट फॉर द राइट टाइम। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, कोई जाके जंग नहीं करनी, कुछ नहीं, सिर्फ बिलीव करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का मुअज्जमा में सिर्फ बिलीव पे काम किया, चंद लोग साथ आए, लेकिन उन चंद लोगों के बिलीफ ने काम कर दिया। ये अगर ये जो 20-25 लोग बैठे हुए ना, सिर्फ ये बिलीव कर लें कि वी कैन डू इट, बहुत है, बहुत है, हमें सब नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये बिलीव कर लेना तो मक्का के लोगों की तरह काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ आप बिलीव कर लें, आपने नहीं हिम्मत हारनी, आपको यकीन होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया कि मशरिक की सरजमीन से वो इस्लाम दोबारा फैलेगा और पूरी दुनिया में। एक हदीस में आता है कि चाहे किसी को जिल्लत से, चाहे किसी को इज्जत से एक्सेप्ट करना पड़े, दुनिया के हर घर में इस्लाम दाखिल होगा, और ये मशरिक की सरजमीन से काम लिया जाए। बिलीव करना है। वो परिंदे को आप बस एक लगा दें, वो के जी वो जैसे आप यहाँ से घर तक पहुँचेंगे ना, इतनी दफ़ा आपको मिलेगा ना कि बस हेड एंड शोल्डर्स ही ख़त्म होता है सारी कुछ की। तो घर जाके आपको चाहे जो है ना वो 50% कम पे वेटिका मिल रहा हो या कुछ और मिल रहा हो, आपने जाके आपके मुंह से निकलना ही हेड एंड शोल्डर है, समझ रहे हैं ना? बिलीव करें, बिलीव करें, अपने आप को बार बार याद करवाएं कि हम ही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने दुनिया की इमामत का काम लेना है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अहदीस के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक, रवायात के मुताबिक, जियोपॉलिटिक्स के मुताबिक, तमाम चीज़ों के मुताबिक यही वो सरजमीन है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के बाद यही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम हुई है, और यहीं से दुनिया के ऊपर इस्लाम कायम होना है। और हम वो लोग हैं, पहनेंगे हमने पैंट शर्ट्स पहनी हुई होंगी, होंगे हम इंजीनियर्स, बोल हम अंग्रेज़ी रहे होंगे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके बताओ नजफ। बिलीफ ये होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का अलम लेकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम लेकर हम इंशाल्लाह दुनिया पे छा जाएंगे।